Queen TV presents Candy Pudding. बहुत समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़की और उसके माँ बाप रहते थे। वो बकरियाँ चरा कर अपना गुजारा करते थे, फिर भी भूखे ही सोते थे। एक दिन वो बकरियाँ चरा रही थी, लड़की का गुज़र एक झाड़ी के पास से हुआ। उसने देखा कि कुछ चीज़ चमक रही है। जब उसने बैठ के देखा तो वो एक अंगूठी थी। वो बहुत चमकती और खूबसूरत अंगूठी थी। उसने फौरन हाथ में पहन ली। वो भागे भागे अपनी माँ के पास गई ताकि उसे अंगूठी दिखा सके। उसने कहा, माँ देखो कितनी खूबसूरत अंगूठी मिली है, देखो कैसी चमक रही है। उसकी माँ ने देखा तो कुछ परेशान हो गई। उसने कहा, बेटा कितनी बार कहा है कि बाहर से चीज़ें उठाकर ना पहना करो, फौरन फेंक दो। मगर पास ही एक बूढ़े बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, ये तो अंगूठी किस्मत वालों को मिलती है, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी किस्मत बदल कर रख देगी। After some days, कुछ दिनों के बाद माह पारा बकरियां चराने निकली। जब शाम को वो वापस लौटने लगी तो उसने देखा कि बकरियां तो पूरी हैं मगर एक कम है। वो बहुत परेशान हुई कि बाबा बहुत डांटेंगे। वो इधर उधर ढूंढती रही, फिर वो एक जगह गई तो उसे एक गुफा नज़र आई। वो देखकर बहुत हैरान हुई, वो इस तरफ पहले कभी नहीं आई थी। उसने सोचा शायद बकरी इधर अंदर चली गई है। वो उस गुफा के अंदर चली गई। चलती रही, काफ़ी लंबी गुफा थी मगर बकरी का कहीं निशान नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी अजीब थी मगर फिर वो देखकर हैरान रह गई। सामने कुछ बुत रखे थे, कुछ परियां बुत थीं, बिल्कुल बुत थीं, बिल्कुल नहीं हिल रही थीं। उसने कहा, ये बुत यहाँ कौन रख गया है। और पास ही एक जिन भी सोया हुआ था, शायद मरा हुआ था, शायद वो भी बुत था। माँ परा सोच सोच कर हैरान हो रही थी मगर अचानक एक परी बोलने लग गई जो दिखने में मलका लगती थी। वो कहने लगी, ऐ लड़की, जो अंगूठी तुम्हारे हाथ में है ये जादुई अंगूठी है, इसको मेरी उंगली में पहना दो तो मैं बुत से असली हालत में आ जाऊंगी, और तुम यहाँ पर एक निशान के नीचे खजाना है वो ले लेना। माँ पारा ने वो अंगूठी उतार कर उसके हाथ में पहना दी। वो सब असली हालत में आ गई और एक एक कर कर उड़ने लगी। महापारा उनको देखकर खुश हो रही थी मगर ये क्या, एकदम वो जिन भी जा गया। मगर मलका ने हाथ उठाकर कोई चीज़ चमकदार सी उस पर डाली, वो फिर सो गया। दरअसल ये परियां इस जिन की कैद में थी, उन्होंने इन्हें कैद कर दिया। मगर मलका ने जाते जाते बुत बनने से पहले उस पर जादू कर दिया ताकि रोशनी देखते ही वो सो जाए। इस तरह वो उससे बची रही। जब माह पारा उसके बाप ने वहाँ खुदाई निशान के नीचे की तो बहुत बड़ा खजाना था और वहाँ के अमीर कबीर लोगों में से हो गए। माह पारा का बाप बहुत खुश हुआ, उसने अपनी बेटी को बहुत दुआएं दी। अब वो वहाँ के अमीर तरीन लोग थे। तो बच्चों, अगर आप ऐसी और मॉडर्न हॉरर फैंटेसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो फौरन सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। Thank you.